वहीं एक और बड़ी खबर की बात, दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर आज एक अलग रंग दिखाई दिया। किसान नेता राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर आपको बता दें कोल्हू लगा दिया है और वो खुद गन्ने का जूस निकालते हुए दिखाई दिए। टिकैत के ऊपर ये पूरा दरोमदार हो चुका है इस आंदोलन को धार देने का, और देखिए कैसे वो वहां पर बैठकर गन्ने का रस निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले ही तरह तरह की तरकीबें अपनाई जा रही हैं इस आंदोलन को और दिलचस्प बनाने के लिए। इससे पहले हमने देखा था कि जहां पर दिल्ली पुलिस ने कील ठोका था वहां पर फूल उगाए गए थे और अब ये गन्ने का रस निकाला जा रहा है। राकेश टिकैत जी इस समय हमारे साथ हैं, जिन्होंने यहाँ पर कोल्हू चलाया है और खुद जो गन्ने का जूस है वो निकाला है। मैं एक बार पीछे अंकित को कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं कि देखिए कोल्हू को ट्रैक्टर के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस कोल्हू का किसानों के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि 32 साल पहले यही कोल्हू जो है, जो ट्रैक्टर से इस समय चलाया जा रहा है, इसी कोल्हू को लाल किले पर स्थापित किया गया था। राकेश टिकैत जी खुद इस कोल्हू को यहाँ पर ऑपरेट करवा रहे हैं और ये कोल्हू किसानों के लिए काफी महत्व रखता है। सीधे राकेश टिकैत जी से भी पूछेंगे कि कितना महत्व ये रखता है और क्या कुछ आज चल रहा है, इस कोल्हू के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे कि कितना महत्व है। 32 साल पहले बाबा टिकैत ने रखा था ये लाल किले पर। ये 1995 को 26 साल हो गए साथ उसको, 1995 को 26 साल हो गए इसको, और 26 साल पहले ये लाल किले पर चला है। वहाँ कोई आंदोलन था उसके बारे में? आंदोलन 95 के आसपास वो आंदोलन था, तो उसमें इसका इस्तेमाल हुआ था, तो वो आंदोलन सफल हुआ था, ये आंदोलन भी सफलता की तरफ बढ़ रहा है। सफल होगा, आंदोलन कोई फेल थोड़ा होता है, ये तो वैचारिक वो है और पूर्ण रूप से होगा, एक दिन सरकार इसको जरूर इसको मान ले। किसानों के लिए कितना महत्वपूर्ण ये वाला कोल्हू है थोड़ा इसके? नहीं, ये तो मीठा है, स्वीट है पूरा, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता देश में, तो हम तो रस पिला है। ऑपरेट आप ऑपरेट भी? हाँ, ऑपरेटिंग करना पड़ेगा ना, ये तीन लगा देंगे तो इस पर लोड पड़ेगा। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे।